अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं सबसे पहले ये कहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले जाके सब्सक्राइब करें। नीचे इस साइड पे या इस साइड पे आपको जो रेड बटन है सब्सक्राइब वाला वो नजर आ रहा होगा, तो प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियोज पहुंचती रहें और आप मेरी वीडियोज डेली या जैसे भी आए तो आपको पता हो मेरी वीडियो आई है तो आप दे सकें। तो आज जब व्लॉग जो है मैं अभी स्टार्ट करने लगा, अभी तकरीबन पौने आठ हुए हैं और मैं व्लॉग जो है अपना कल वाला जुमे वाला व्लॉग है जो वो अभी मैंने रेडी पे लगा दिया है। तो अभी मैं नीचे जाके रोटी वगैरह खाने लगा हूँ, तो रोटी वगैरह खा के फिर दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके देखेंगे कि आज का हमारा क्या प्रोग्राम है। अभी तकरीबन साढ़े आठ हो गए हैं तो मैं आ गया वाली भाई दुकान पे और यहाँ पे मुकम्मल सैफ और ये मट साहब आए हुए हैं और मलक साहब भी आए हुए हैं। प्रोग्राम बने कोई प्रोग्राम नहीं, पहले दसो छे दुकान से मैं वापस आ गया हूँ। तो दुकान में गया था तो वहाँ पे काफी ज्यादा शोर था, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग जो है वहाँ पे कुछ ज्यादा कर नहीं सका। तो अभी मैं घर आ गया, तभी मैं वीडियो जो है अपनी वो अपलोड पे लगा दी है, तो ये तकरीबन घंटे तक ये अपलोड हो जाएगी। तो फिर मैं सोचूंगा, अभी तकरीबन सवा दस हो गए हैं तो ये अपलोड हो रही है। अभी मैं जो इसका जो थंबनेल है वो मैंने एडिट करना है, वो एडिट करके तो वो सारा अपलोड करके तो फिर इंशाल्लाह मैं जाके सो जाऊंगा। अभी तकरीबन सवा ग्यारह हो गया तो व्लॉग जो है मेरा वो अपलोड हो गया है, तो तकरीबन सुबह आठ बजे वो आ जाएगा। तो आप बताइए कि आठ बजे जो है वो ठीक टाइमिंग है कि नहीं? अगर आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा लेट कर दूं, ग्यारह बजे कर लूं या बारह बजे कर लूं, तो भी बताइएगा नीचे कमेंट करके कौन सी टाइमिंग जो है वो बेस्ट है, ताकि मैं उस वक्त आठ बजे भी ठीक है, सारा दिन आपके लिए लगा रहता, लेकिन आप बेस्ट टाइमिंग जो है वो बारह बजे ठीक है या ग्यारह बजे, तो आप बताइएगा कि कौन सी टाइमिंग ठीक है। तो ये वाला ब्लॉग जो है तो वो तो आठ बजे आ जाएगा सुबह इंशाल्लाह। तो अभी मैं जाके सोने लगा हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज चुके हैं तकरीबन ग्यारह, तो मैं अभी करने लगा हूँ सुबह का नाश्ता। तो अभी सुबह का नाश्ता करते हैं। नाश्ते में है जी मीठा अंडा और साथ में रोटी। तो अभी मैं नाश्ता कर लूँ पहले, तो ये काफी ज्यादा मजेदार होता है मीठा अंडा। ये हम रमजान में भी खाया करते थे, रोजे रख रहे हैं वक्त शायरी के टाइम, तो काफी ज्यादा मजेदार होता है। ये देख के ना मुझे रमजान की याद आ जाती है, क्या ही रौनक होती है रमजान की। तो अभी मैं खा लूँ पहले से। रोटी तो मैंने खा ली है, चाय मेरी ठंडी हो गई थी, इसे अभी ओवन में रख के गर्म कर लेते हैं। ये मैंने दे दिया, एक मिनट मैंने दे दिया तकरीबन, हो गई गर्म। तो अभी पहले चाय पी लेते हैं, गर्म हो गई है। अभी ये एक बज चुका है और मैं आप ऊपर आ गया छत पे, तो मैं अभी अपना व्लॉग जो है वो एडिट कर रहा हूँ। तो अभी मैं पहले अपना व्लॉग जो है वो एडिट कर लूँ। तो ये जो पौधे हमारे यहाँ पे लगे थे, यहाँ फूल का निकलना था, ये खुद ही सूख गए सारे। तो ये फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन ये भी सूख रहा है और ये तो तकरीबन सूख ही गए हैं। मिट्टी तो सूखी है इसकी, गिली है, लेकिन ये सूख गए सारे। चुका है और मैं जा रहा हूँ घर के पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए। तो अभी हम जाने लगे हैं जी फैसलाबाद, तो अभी पहले मैं जाके इसका पेट्रोल वगैरह डलवा लूँ और हवा वगैरह टायरों की चेक करवा लूँ। हजार रुपये कर देना जी। हाँ का पेट्रोल वगैरह और हवा वगैरह चक्कर आके मैं घर आ गया हूँ। तो अभी तकरीबन दो बज चुके हैं और अभी मैं रेडी शेडी होता हूँ। ढाई बजे मैंने निकलना है, तो मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। अभी मैंने कपड़े इस्त्री भी करने हैं और पहनने भी तैयार यार भी हो रहा है, तो आधा घंटा मेरे पास, तो आधे घंटे में अभी जल्दी जल्दी से तैयार हो जाते हैं।
तो जी मैं तैयार हो चुका हूँ, तो टाइप बज चुके हैं, तो अभी हम जाने लगे फैसलाबाद। फैसलाबाद जाने कहाँ लगे? तो हमारी दावत है फैसलाबाद, वो खाने जा रहे हैं, तो सारी फैमिली को दावत है। तो मैंने कहा सर्दी ना लगे तो मैंने इसलिए जैकेट पहन ली है, और मुनीब भी तैयार हो गया, तो अभी हम जाने लगे हैं फैसलाबाद। गाड़ी बड़ी प्यारी पहनी है। तो ये जी हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये दूसरी गाड़ी है जो हमने किराए पर करवाई है। तो ये दो गाड़ियाँ जाएंगी यहाँ पे, ये अपनी गाड़ी तो मैं खुद ड्राइव करूँगा। अभी ये हम आ गए हैं सिल्वर स्पून, तो यहाँ पे अभी ऑर्डर देने लगे हैं, तो ज़्यादा व्लॉग मैं करूँगा नहीं, फैमिली साथ है। तो अभी मैं ऑर्डर डिसाइड करने लगा हूँ कौन सा करना है, यहाँ बारबेक्यू मैं सोच रहा हूँ, यहाँ से चिकन बोटी अफगानी या चिकन मलाई बोटी, तो ये कर लेते हैं एक। और एक मैं सोच रहा था यहाँ से पाकिस्तानी स्पेशलिटीज में से चिकन हांडी बोनलेस, और ये मैं सोच रहा था, तो अभी डिसाइड करते हैं। ये सारा मेन्यू है यहाँ का। तो अभी हमने खाना वगैरह खा के तो ये घर आ गए हैं, तो ये बाइक है हम दोस्त जो है वो घर है, तो अभी हम यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं, तो खाना वगैरह हमने खा लिया। तो व्लॉग मैंने ज्यादा किया नहीं है, तो क्योंकि फैमिली सारी साथ है, तो अभी इंशाल्लाह चाय पी के वापस जाना है हमने। फैसलाबाद से हम घर आ गए हैं, तो हमारा जो ताला है कमरे का, तो उसकी चाबी अंदर ही टूट गई है, तो अभी खोल के देखते हैं कैसे खोलना है। चाबी जो अंदर टूट गई हुई है, अभी तकरीबन 9 बज चुके हैं फैसलाबाद से आगे, तो हमारी जो चाबी है लॉक की वो अंदर ही टूट गई है, अभी देखते हैं कैसे खोलना है ताला। तो अभी कोशिश करते हैं, प्लास के साथ हाथ से पकड़ी तो जा रही है, अभी करते हैं कुछ। ताला भी खुल चुका है अभी, मुनीब भाई ने खोला ताला। कैसे खोला? ये ना प्लास प्लास के साथ खोला। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग मैं क्या कहूँ, अभी डेढ़ बज चुका है, तो मैं सुबह से अपना ब्लॉग जो है वो एडिट कर रहा था, रात मैंने ब्लॉग एडिट नहीं किया, मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया था, तो जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, फिर मैं थक भी गया था, मैंने ब्लॉग एडिट नहीं किया। आज सुबह से आ रहा हूँ और ब्लॉग एडिट किया, तो तकरीबन एडिट हो गया। ये ब्लॉग मैं सोच रहा हूँ यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें लाइक। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।